दोस्तों कोचिंग का पूजा शुरू होने जा रहा है और आज जो सरस्वती पूजा कर रहे हैं मेरे पापा कर रहे हैं, ठीक है, वही आज ठाकुर बने हुए हैं। तो गाइस अभी रंगोली बन रहा है और ये भाभी बना रही है, साथ ही साथ जो असिस्टेंट है बहुत ज्यादा है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ अनूप महतो ब्लॉग में। दोस्तों आज मेरा कोचिंग में मनाया जा रहा है सरस्वती पूजा, भाई कोचिंग में सरस्वती पूजा कर रहा है और साथ ही साथ आज है गणतंत्र दिवस, तो सभी को गणतंत्र हार्दिक शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा का भी हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई ये जो है अभी काम कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, ठीक है, काम करना पड़ता है तो लोग चिल्लाते ही हैं। ये खुशबू फूल काट रही है, कैसा फूल काटी बनाई देखिए आप सभी। और इधर ये सब शाकालू के लिए लड़ रहे हैं, काटने के लिए शाकालू को छिल रहे हैं। प्रसादी बन रहा है, तैयारी चल रहा है प्रसादी का। और ये देखिए बाहर जो है स्टूडेंट लोग फूल सजा रहे हैं, तो नया पोस्टर लगाए ड्रीमलैंड कोचिंग का। तो ये लोगों का काम चल रहा है अभी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। बच्चे काम कर रहे हैं और बड़े बच्चे बात कर रहे हैं। चांदमली प्रसादी बना रही है। चांदमली एंड खुशबू लगे हुए हैं प्रसादी बनाने के लिए। हम लोगों का कोचिंग में रंगोली बन रहा है, रंगोली ये देखिए। ये देखिए ये जो हरदीप एंड सुजीत एंड राहुल है भाई, ये लोग सुबह से आए हुए हैं और लगे हुए हैं भाई काम में। क्या बोलना चाहती है? बहुत भूख लग रहा है सर, बहुत भूख लग रहा है। बहुत भूख लग रहा है, जल्दी पूजा करवाने बोल रही सर बहुत भूख लग रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है बहुत सुबह सुबह आया, और भाई कल ये जो कमाल कर दीता सी, कल क्या लेके आया था सभी बताओ? क्या मशीन? वाटर मशीन लेके आया था और पूरा घर को एकदम चकाचक धो के एकदम नया जैसा कर दिया। दो दो बार पूजा करें? हाँ। बहुत चालाक है भाई, बहुत चालाक है, दो दो बार पूजा करेंगे। हम दिन भर सह लेते हैं। खाली पे कुछ खाई है? नहीं खाई। ये प्रसादी खाई है, झूठ बोल रही है। नहीं खाई। खाई है तो देख रहे हैं चेहरे से, खाई खाई दिखाई दे रही है। पक्का? नहीं खाई है भाई, ये झूठ नहीं बोलती है। सबसे इसका यही बात अच्छा लगता है कि झूठ नहीं बोलती है, और जो झूठ नहीं बोलते हैं ना वो हमको बहुत पसंद है। ये यहाँ गम का बर्बादी हो रहा है। दोस्तों कोचिंग का पूजा शुरू होने जा रहा है और आज जो सरस्वती पूजा कर रहे हैं मेरे पापा कर रहे हैं, ठीक है, वही आज ठाकुर बने हुए हैं, वही आज पूजा करवाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है बहुत मजेदार होने वाला है, पूरा वीडियो तक बने रहे हैं, बहुत मजा आएगा भाई। तो दोस्तों पूजा शुरू हो चुका है। कोचिंग का हर एक स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा है और
से ही प्रार्थना करते हैं, पूजा करके यही मांगेंगे कि मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सभी अच्छे से पढ़ाई कर पाए और अच्छे से पढ़ सके, सीख सके, माता का कृपा हो ताकि जल्दी जल्दी याद रहे। बहुत सारा गांव के बच्चे लोग आते हैं जो जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे हम लोगों का जो मानना है, जो आस्था है, जो विश्वास है, उसके मुताबिक माता से अगर सही मन से, साफ सुथरा मन से और पूजा करके अगर माता से प्रार्थना किया जाए, मांगा जाए माता को अच्छी शिक्षा, तो पूरा होता है। इसीलिए मैं तथा मेरे कोचिंग के सारे स्टूडेंट आज पूजा कर रहे हैं और पूजा करके माता से आशीर्वाद लेंगे अच्छी पढ़ाई का, अच्छी शिक्षा का। तो अभी प्रसादी वितरण होगा, सभी को प्रसादी दिया जाएगा। पूजा हो चुका है, एकदम पूरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए प्रसादी देते हैं, पहले खाएंगे उसके बाद घर लेके जाएंगे बच्चे। तो हम लोगों का पूजा हो चुका है और ये जो बच्चे हैं प्रसादी लेके सभी चले गए। सर हम लोग जा रहे हैं, आप ठीक से रहना। तो गाइस ये जो है घर जाएंगे, बहुत दूर से आए जातू से, और भाई सबसे पहले ये सुजीत और हार्दिक, कल तो कल ही हम लोगों का विसर्जन है, इसलिए कल ये सब आएंगे और सभी मिलके शाम को हम लोग विसर्जन कर देंगे, क्या है? ठीक, थोड़ा बहुत डांस भी होगा क्या, उसका भी वीडियो बनेगा, एकदम मस्त वीडियो बनेगा। अरे बात है, ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा तो उसको भी देखिएगा आप लोग। और अगर आप में से कोई अनुमान तो ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे नए है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। तो गाइस सभी स्टूडेंट को घर भेज दिए हैं और मैं अभी फिलहाल अकेले हूँ, यहाँ रखवाली कर रहा हूँ इस घर का, तथा सबको जो जो नए आ रहे हैं उन सभी को प्रसादी दे रहे हैं। तो स्कूल गए थे सभी बच्चे, तो कोचिंग नहीं आ सकते, इसलिए बहुत सारा बच्चे स्कूल गए हैं और वो अभी आएंगे, एक जन दो जन करके आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ ठहरा हूँ ताकि अगर कोई आए तो लौट ना जाए और सभी को प्रसादी मिले। ये देखिए गाइस, ये जो है मेरा स्टूडेंट है और इन लोगों का आने में देर हो गया है, क्यों हुआ है यही बताएंगे। सॉरी सर, हम लोग स्कूल गए थे, देर हो गया। ओह, वो स्कूल गया था इसलिए इन लोगों का देर हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, आए ये बड़ी बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये लोग भी आए घूमने के लिए और देखने के लिए, प्रणाम किए माता को और प्रसादी खाएंगे अभी, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। प्रसादी देते हैं इन सबको। हे गाइस, दोस्तों पूजा भी हो चुका है और घर से खाना वाना खा के आए, अब ये लोग जिम्मेदारी यहाँ का उठाएंगे, ये लोग रात को रहेंगे और भी बहुत सारा स्टूडेंट मिलके आज रात को यहीं पर सोएंगे ये लोग और मजे मस्ती करके रहेंगे आराम से। मैं तो चलता हूँ घर, तुम लोग रह पाओगे तो? हाँ। पक्का? पक्का। अच्छे से रहना, ओके, ठीक है। दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगला वीडियो में। ओके, बाय बाय।